को, तो इसके लिए हमें चाहिए क्रश्ड ओरियो, जो कि अभी ये आ गए हमारे पास क्रश ओरियो। अब हमें चाहिए थोड़ी कोई बड़ी सी कोक, इसके अंदर हमें ये डालना है। अब इसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा दूध, मिल्क, थोड़ा सा इसको दूध डालना है, फिर आपको इसको मिक्स करना है। जब तक ये आटे जैसा नहीं बन जाता, जब तक आपको करते रहना है बहुत देर तक। इसके लिए हमें थोड़ा सा दूध चाहिए और इसको सॉफ्ट डो जैसे करते रहना है जब तक ये बने नहीं। करते हैं, सॉफ्ट डो बन सकती बन गई है। अब इसको 5 to 10 मिनट्स इसको लीव करते हैं, जब तक हम चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं चाहिए। और इसको ऐसे घुमा के एक ऐसी बॉल बनाए, ये देखिए बन गई। अब हम इसको ये देखिए सारी ऐसे बन गई है। अब हमें इसको डेकोरेट करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट। इसके ऊपर आप आहिस्ता से ऐसे ऐसे डालें, ये खुद ही फैलने लग जाएगा। फिर आप दूसरे में भी ऐसे करें, प्रोसेस सारे में चलेगा। तो ये भी ऐसी जैसे हमने डेरी मिल्क डाली है वैसे ही डालेगा। इस पर डालेंगे स्प्रिंकल्स, इस पे स्प्रिंकल्स डलते जा रहे हैं। अब हम इस पे लगाएंगे चॉकलेट। तो 5 to 10 मिनट्स इसको फ्रिज में रखना है। After 10 minutes there is result, तो ये ऐसे हो जाते हैं। अब हमें टूथपिक्स लेनी है और इधर डालनी है। इससे सारों में लग जाए, अगर आपके पास टूथपिक्स नहीं हो तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये मेरा छोटा सा डिजर्ट तैयार है, आप इसको ट्राई करें। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरी मम्मा का चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।